महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के कार्तिक चौक के पास स्थित रेवंतेश्वर महादेव 84 महादेवों में 56वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सूर्य का तेज सहन न करने के कारण पत्नी संज्ञा अपने मायके चली गई। सूर्य उन्हें ढूंढने निकले। संज्ञा उस समय उत्तर कुरु प्रदेश में घोड़ी बनकर विचरण कर रही थी, तब वह सूर्य के सामने आई। वहां उनकी नासिका से संयोग होने के कारण उनके दो पुत्र अश्विनी कुमार हुए, फिर एक और पुत्र रवंत हुआ। उसने धनुष बाण लेकर अश्वरूढ़ होकर सारे जगत और स्वर्ग को जीत लिया। तब देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे निवेदन किया कि सूर्य पुत्र रेवंत के तेज से सारा जगत जल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप इस कार्य के लिए शंकर जी के पास जाओ। देवता शिव जी के पास गए। शिव जी ने रेवंत को बुलाया। शिव जी ने उसे गोद में बैठाकर प्यार किया, उसे समझाया कि वह महाकाल वन में जाए, वहां उसके लिए उपयुक्त स्थान है। कंटेश्वर के पूर्व में एक लिंग है, उसकी पूजा करो, इस प्रकार तुम्हें सब जगह आदर मिलेगा। रेवंत महाकाल वन में गया और इस लिंग की पूजा की। इस लिंग ने रेवंत का आदर किया और कहा कि मैं अब रेवंतेश्वर कहलाऊंगा। जो रेवंतेश्वर की पूजा करते हैं उन्हें पुत्र पोत प्राप्त होते हैं। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।